दोस्तों अगर आप प्लान करो एक 43 इंच 4K टीवी लेने का 2020 में, तो इस वीडियो को मिस मत करना और इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं मेरी रिकमेंडेड 43 इंच 4K टीवी, जहां पर हम लोग बजट ब्रांड और नॉन बजट ब्रांड दोनों को कंसीडर करने वाले हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए। तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजा देना, शुरुआत कर दे वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं गाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बजट ब्रांड का और नॉन बजट ब्रांड का, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं बजट ब्रांड से, जिससे हम लोग स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे प्राइस सेगमेंट की तरफ। तो यहाँ पे मेरा पहला रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा व्यू का, व्यू प्रीमियम 2020 मार्च में जो लॉन्च हुआ है। बात करें इस टीवी की स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा, इसी के साथ साथ 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है। बात करें साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 24 वाट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और बात करें कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे और कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ भी दिया गया है इसी टीवी में, और इसी के साथ साथ डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है। बाकी टीवी में आपको व्यू के मिलता था सिंगल बैंड वाईफाई, लेकिन यहाँ पे आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने मिलता है, तो ये की बहुत अच्छी बात होगी इसी व्यू प्रीमियम की। इसी के साथ साथ बात करें यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और रैम को लेकर, तो यहाँ पे आपको 2GB का रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप बोलते हैं ना गेम्स वगैरह डाउनलोड करने या फिर बहुत सारे ढेर सारे ऐप्स डाउनलोड करने, तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 16GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात। इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें ब्राइटनेस निट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको व्यू दे रहा है आपको 400 निट्स के ब्राइटनेस। और बात करें यहाँ पे टीवी में पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको VA पैनल देखने मिल जाएगा। VA पैनल की पिक्चर क्वालिटी एज कम्पेयर टू IPS पैनल से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये चीज को आप जरूर ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज आपको सभी को करना पड़ेगा व्यू एंगल्स को लेकर, व्यू एंगल्स जो होते हैं आपको अच्छे कौन प्रोवाइड करता है, IPS पैनल, लेकिन पिक्चर क्वालिटी आपको सबसे अच्छी मिलती है VA पैनल में, तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। और जब मैं बात करूँ पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो इसके पिक्चर इंजन को कैसे बोल सकता हूं, जो पिक्सेलियम टेक्नोलॉजी व्यू लेके है मार्केट में, इसी के साथ वीओडी अपस्केलर की टेक्नोलॉजी भी आई है पिक्चर क्वालिटी को इनहांस करने के लिए एज अ पिक्चर इंजन। बात करें इस टीवी में आपको ऑडियो टेक्नोलॉजी में क्या देखने मिलेगा, तो यहां पे आपको डॉल्बी ऑडियो इसी के साथ और DTS 2 सराउंड का सपोर्ट देखने मिलेगा इसी टीवी में, जो कि बहुत अच्छी बात होगी इसी टीवी की। और दोस्तों एक और बात यहां पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप क्रिकेट के फैन हो या फिर क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो यहां पे जो क्रिकेट मोड का एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको व्यू में आपको क्रिकेट मोड जो है एकदम मस्त वाला मिलने वाला है। और बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे आपको Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। और एक सबसे अच्छी बात होगी यहाँ पे कि यहाँ पे आपको रिमोट में ही डेडिकेटेड Hotstar का बटन दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से ये प्राइस पॉइंट पे, मतलब अभी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब अभी ये मार्च 31 के बाद शायद प्राइस चेंज हो सकती है, मतलब मार्च 31 2020 के बाद अगर प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन उसके पहले अगर आप प्लान करो तो ये मेरा एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगा टीवी के मामले। यहाँ पे मेरा सेकंड रिकमेंडेशन होगा यहाँ पे सैन्यो का काइजन मॉडल, जहां पे जो 43 इंच 4K टीवी वाला है बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ पे इसकी प्राइस, क्योंकि प्राइस यहाँ पे है इसकी 26,000 रुपए, और 26,000 रुपए में आपको एक समझ लो सैन्यो जो है एक सब्सिडरी है पैनासोनिक का, तो पैनासोनिक का टीवी आपको मिल रहा है, क्योंकि जो टीवी मैन्युफैक्चर हो रही है पैनासोनिक के थ्रू हो रही है, और यहाँ पे आपको सर्विस भी पैनासोनिक ही देने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इसी टीवी की। और बात करें यहाँ पे इस टीवी के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लूटूथ 5.0 है, 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ के साथ ही साथ आपको वाईफाई भी देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इसमें Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube नहीं चलेगा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें परफेक्टली चलने वाली, तो इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ पे इस टीवी के रैम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1.75GB का रैम देखने मिल जाएगा। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे उसके प्रोसेसर के बारे में भैया, कि कौन सा टीवी में, इस टीवी में कौन सा प्रोसेसर लगाया गया, तो यहाँ पे लगाया गया है क्वाड कोर प्रोसेसर और जो GPU है Mali 450 दिया गया है इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में, कि यहाँ पे कितने वॉट का साउंड आउटपुट लगाया गया है इसी टीवी में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको वॉइस एनेबल रिमोट भी दिया गया है। और बात करें यहाँ पे टीवी के पैनल के बारे में, कि भाई कौन सा पैनल लगाया गया इस टीवी में, तो यहाँ पे लगाया गया IPS पैनल, और इसी के साथ साथ जो डिस्प्ले है सुपर ब्राइट डिस्प्ले देखने मिलेगा इसी टीवी में। और जो बात करें यहाँ पे कलर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर आपको प्रोड्यूस करके अच्छे अच्छे रिच और नेचुरल कलर देखने मिलेंगे इसी
इसी टीवी में। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में भी ये टीवी पीछे नहीं हटने वाली, यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली इसी टीवी की। और एक और फैक्टर यहाँ पे जो मैं कंसिडर करना चाहूंगा इस टीवी के लिए, जैसा मैंने बताया कि सैनियो है सब्सिडरी पैनासोनिक का, तो और आपको जो टीवी मैन्युफैक्चर होकर मिल रही है वो मिल रही है नॉन बजट ब्रांड, मतलब पैनासोनिक बजट ब्रांड में नहीं आता, तो वो आपको बजट ब्रांड में बोलते ना सैनियो की टीवी प्रोवाइड कर रहा है। और आपको जो सर्विस मिलने वाली वो भी आपको पैनासोनिक के थ्रू ही मिलेगी। तो और यहाँ पे सर्विस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे 450 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर अवेलेबल है पैन इंडिया, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको आफ्टर सेल सर्विस का भी ध्यान रखना है जब भी आप टीवी ले रहे हो, क्योंकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको सर्विस सेंटर से आपको धक्के न खाने पड़े, आपको बोलते हैं ट्रबल ज्यादा न करना पड़े, तो ये फैक्टर भी आपको कंसिडर करना चाहिए जब टीवी आप ले रहे हो। तो अगर आप प्लान करो 43 इंच 4K टीवी लेने का तो ये टीवी जरूर कंसिडर कीजिए। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन होगा यहाँ पे TCL की P6 सीरीज। तो यहाँ पे उसका सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ पे उसकी प्राइस और उसके फीचर्स। तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको 26,000 रुपए में आपको 43 इंच 4K टीवी मिल रही है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ पे टीवी की, यहाँ पे आपको बिल्ट इन बोलते ना एलेक्सा का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़े से पोर्ट्स कम दिए गए बाकी दोनों टीवी के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ चीजें अलग भी है। तो यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट देखने मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो मेजर चेंज है क्योंकि यहाँ पे आपको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल रहा है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड देखने नहीं मिलने वाला। और लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी चीज है इस टीवी की, यहाँ पे आपको बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट दिया गया है, एलेक्सा आपको इनबिल्ट DC टीवी में देखने मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube चलने वाले परफेक्टली, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे टीवी के पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको VA पैनल देखने मिल जाएगा इसी टीवी में, इसी के साथ HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट देखने मिलेगा इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे आपको DTS2 सराउंड इसी के साथ Dolby ऑडियो का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा भाई कि बाकी दोनों जो टीवी हम लोगों ने कंसीडर किए व्यू प्रीमियम और सैन्यू में, वहां पे आपको 1 साल की वारंटी देखने मिली थी, लेकिन इस TCL की टीवी में यहाँ पे आपको 1.5 साल की वारंटी देखने मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे भाई वारंटी पीरियड यहाँ पे आपको ज्यादा मिल रहा है TCL की तरफ से। इसी के साथ ही साथ एक और फीचर जो बहुत अच्छा है इस टीवी में, कि यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉल्यूम का फीचर देखने मिलेगा, जिसके थ्रू होता क्या है कि समझ लो आप बोलते हैं चैनल चेंज करते हो कंटिन्यूअसली, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर नेक्स्ट चैनल का वॉल्यूम बोलते हैं ना अगर कम है या ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, तो आपको सडन बोलते हैं ना वॉल्यूम जो बढ़ जाता है वो आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये फीचर है ये उसी को काम करता है, वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा और आपको बोलते ना सडन ऐसा कुछ लगे ना कि आवाज बढ़ गया या आवाज कम हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी, एक यूनिक फीचर है TCL की तरफ से इसी टीवी में। तो यहाँ पर भी इस टीवी को जरूर कंसीडर कीजिए, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इसी टीवी के लिए होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब कैटेगरी को चेंज करते हैं, कैटेगरी चेंज होगी यहाँ पे, अब हम जाएंगे नॉन बजट ब्रांड जहाँ पे सोनी सैमसंग और LG आते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और जब मैं बात करूँ यहाँ पे नॉन बजट ब्रांड टीवी के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कट कहना चाहूंगा यहाँ पे, पिक्चर क्वालिटी में आपको ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ ब्रांड वैल्यू का आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, कुछ अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी में 19:20 या 17:20 का फर्क होगा, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले लेके चलता हूं आपको LG टीवी के पास। तो यहाँ पे LG में मेरे पास 3 मॉडल है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले LG का UM7300, दूसरी तरफ बात करूं LG का UM7290 और तीसरा है LG का UM7780। और बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको LG का UM7300 और 7290 में सिर्फ एक ही फर्क है, जो फर्क है यहाँ पे एक मैजिक रिमोट का। मैजिक रिमोट के वैसे यहाँ पे प्राइसिंग 1000 या 2000 का फर्क आपको दिखने मिलेगा मार्केट में, जब भी आप लेने का प्लान करो, तो बस यही एक फर्क है दोनों टीवी में, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे आप बात करें इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4K टीवी देखने मिल जाएगी 43 इंच वाली। तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। बात करें इसके स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो यहाँ पे 50Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश दिया गया इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको टीवी में देखने मिलेगा WebOS का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे ब्लूटूथ का एक खास फीचर है जो टू वे शेयरिंग कहा जाता है, जहां पे आप मोबाइल का कंटेंट डालते हो टीवी में और देखते हो, यहाँ पे रिवर्स भी इसमें होता है कि यहाँ पे आपको टीवी का जो कंटेंट है आप मोबाइल पे देख सकते हो। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये फीचर, मतलब कौन देखना चाहेगा मतलब टीवी का कंटेंट मोबाइल पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमको बड़े स्क्रीन पे देखने में ज्यादा मजा आता है, फिर भी यहाँ पे LG में ये फीचर आपको देखने मिलेगा। तो बात करें यहाँ पे इस टीवी के पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने मिल जाएगा इसी टीवी में।
और बात करें यहाँ पे इस टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ बात करें रैम के बारे में कि यहाँ पे कितना रैम देखने मिलेगा आपको इस टीवी में, तो यहाँ पे आपको 1.5 GB का रैम देखने मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया इसी LG के UM7300 7290 और 7780 में भी यही प्रोसेसर, तीनों टीवी में सेम प्रोसेसर यूज किया गया LG की तरफ से। बात करें इस टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे आपको LG प्रोवाइड करता है मैजिक रिमोट। ये चीज ध्यान रखना है कि आपको 7290 में ये मैजिक रिमोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैजिक रिमोट है सिर्फ नाम का नहीं, काम का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और सच बोल रहा हूँ, वो रिमोट आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। सिर्फ 1-2 हज़ार रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन वो वर्थ है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना बहुत ही अच्छी तरह से, और क्विकली बोलते हैं ना उसका सपोर्ट, और बहुत मस्त काम करता है। मतलब आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आप ले ही रहे हो टीवी तो आप 7290 की जगह UM7300 ही लीजिए। और यहाँ पे बात करें कंटेंट शेयरिंग के बारे में, जहां पे आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो आपके टीवी को और आप मोबाइल का कंटेंट देख पा रहे हो आपके टीवी में, तो ये आपको एंड्रॉइड डिवाइस में तो ऑलरेडी हो जाएगा इजीली, लेकिन यहाँ पे आपको एप्पल एयरप्ले 2 का भी सपोर्ट दिया है, जिसके थ्रू आपके एप्पल के जो डिवाइसेस है वो भी आप कनेक्ट करके कंटेंट शेयर कर पाओगे। तो ये आपको सारे फीचर्स LG द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इस तीनों टीवी के प्राइसिंग के बारे में, जहाँ पे UM7300 7290 और 7780, तो यहाँ पे 7300 की प्राइस है 36,000 रुपए करंट प्राइस, प्राइसिंग ऊपर नीचे 1-2 हज़ार रुपए कभी भी होते रहेगी, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। 7290 आपको मिलेगा 34,000 या 35,000 रुपीज का ऑनलाइन, अभी फिलहाल 35,000 रुपीज का ऑनलाइन अमेजोन पे अवेलेबल है। और बात करें 7780 के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 43,000 या 42,000 रुपीज का। तो ये तीनों की टीवी के प्राइसिंग और उसके मॉडल नंबर है। यहाँ पे डिफरेंस मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैजिक रिमोट नहीं मिलेगा 7290 में, और दूसरी तरफ बात करूँ 7780 7300 में एक फर्क है यहाँ पे बिल्ट इन सब वूफर का। दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन होगा सैमसंग का RU7470। जहाँ पे बात करें इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा, 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है। बात करें यहाँ पे HDMI पोर्ट और USB पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। बात करें यहाँ पे साउंड आउटपुट के बारे में, यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। और यहाँ पे बात करें कनेक्टिविटी के मामले में, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, और ब्लूटूथ 5.0 के साथ ही साथ आपको 2-way शेयरिंग इसमें भी मिल रहा है, जैसा आपको LG दे रहा था इसमें भी आपको सिमिलरली आप फोन का कंटेंट टीवी में देखो और दूसरी तरफ टीवी का कंटेंट फोन में देखो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है इसी LG के RU7470 में। और बात करें यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर की टेंशन लेने का नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें परफेक्टली चलने वाली, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब, सब कुछ परफेक्टली चलने वाला, तो इस चीज का टेंशन मत लेना कि भाई इसमें नहीं चलेगा उसमें नहीं चलेगा, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो मेजर डिफरेंस है बोलते हैं नॉन बजट ब्रांड में, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे LG आपको दे रहा है WebOS का ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी तरफ आपको दे रहा है यहाँ पे सैमसंग आपको टाइजन का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही नॉन बजट ब्रांड में। और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पैनल भी आपको अलग देखने मिलेगा, आप जहाँ आपको सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है VA पैनल, और दूसरी तरफ बात करें तो LG आपको प्रोवाइड करता है यहाँ पे IPS पैनल। तो ये एक नॉन बजट ब्रांड में ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए, जहां पे आपको अलग पैनल भी देखने मिले। बात करें यहाँ पे इस टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे जो रिमोट प्रोवाइड होता है वो आपको बोलते हैं ना सेटअप बॉक्स के लिए और टीवी के लिए, दोनों के लिए एक ही रिमोट होगा, जो मतलब एक ही रिमोट के थ्रू आपका दोनों काम हो जाएगा। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज लगी यहाँ पे कि इस टीवी को आप एज अ कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्फिगरेशन उसी ढंग से दिया गया है। और बात करें यहाँ पे इसके अलग फीचर के बारे में, जो इसको बोलते हैं ना LG से अलग बनाते, तो यहाँ पे आपको लाइव कास्ट का फीचर देखने मिलता है। लाइव कास्ट फीचर के थ्रू होता क्या है कि अगर समझ लो आपको कहीं बाहर गए और आपको चाहिए कि आपके घर वालों कुछ मूवमेंट शेयर करना, तो ये लाइव कास्ट फीचर के थ्रू आप सर्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सैमसंग हमें इतने सारे फीचर्स तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग कितना है, क्योंकि हमारे एज ए इंडियन कंज्यूमर प्राइसिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे भाई आपको जो LG की जो RU7470 43 इंच की मिल रही है 46,000 रुपीज की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लग रही है फिलहाल। अगर आप ऑफलाइन मार्केट भी चेकआउट कीजिए और बार्गेन करने का ट्राई कीजिए, अगर आपको सस्ते में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब 2-4 हज़ार रुपए या फिर 40,000 रुपए में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन 46,000 रुपीज ये मॉडल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके प्राइसिंग के हिसाब से। अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो लीजिए, लेकिन अगर ये महंगे में मिल रही है मतलब 46 में, तो मत लीजिए। अगर कुछ बोलते हैं ना सेल आता है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो फेस्टिवल के टाइम अगर आपको कम में मिलता है तो ही लीजिए, वरना मत लीजिए। दोस्तों यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेरा लास्ट ब्रांड सोनी की तरफ से दो मॉडल जो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा 43 इंच 4K टीवी के लिए 2020 में। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही मॉडल है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, एक है X8000G और दूसरा है X7002G। ये दो मॉडल को मैं आप रिकमेंड करूंगा। और
सो बात करें यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो सोनी का X8000G है, तो यहाँ पे आपको 4K का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा, 50Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया, इसमें पोर्ट्स ज्यादा दिए गए, मतलब यहाँ पे आपको 4 HDMI पोर्ट और 3 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे Amazon Prime, Netflix, Hotstar, YouTube परफेक्टली चलने वाले, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और जब मैं बात कर रहा हूँ इनके कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको Android 9 का सपोर्ट देखने मिलेगा और Android ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये टीवी चलने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी इसी टीवी में देखने मिल जाएगा। पे बात करें साउंड आउटपुट के बारे में कि भाई साउंड आउटपुट कितना है इस टीवी में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 दिया गया इसी टीवी में। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे इस टीवी के मतलब एक्सेलेंट, मतलब आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, इस टीवी को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है एकदम हाई लेवल की है, मतलब आप पिक्चर क्वालिटी में आपको कोई भी इस सोनी की टीवी को बीट नहीं कर सकता। और यहाँ पे वो जो उनका जो पिक्चर इंजन है, या फिर बोलते पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो यूज करे, यहाँ पे वो यूज करे ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले, जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी एकदम एक्सेलेंट, मतलब सुपर पिक्चर क्वालिटी देखने मिलेगी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसी डिस्प्ले थ्रू। पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको गेमिंग करना है तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मोशन XR का सपोर्ट देखने मिलेगा। मोशन XR के सपोर्ट के थ्रू होगा कि अगर समझ लो आप कोई गेम कर रहे हो या फिर कोई एक्शन सीन है, वो आपको एकदम बोलते ना ब्लर नहीं होंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उसी को सपोर्ट करती है और आपको एकदम बोलते ना व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा बना देगी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। और बात करें यहाँ पे टीवी के वारंटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको सोनी की तरफ से 1 साल की वारंटी मिल जाएगी इसी टीवी के लिए। और बात करें यहाँ पे इसके वॉल माउंट के बारे में, तो यहाँ पे वॉल माउंट भी आपको आपको बॉक्स कंटेंट में देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सोनी की जो दूसरी मॉडल है X7002G, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बोलते ना स्पेसिफिकेशन का है, जहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं 8000G में 4 HDMI पोर्ट और 3 USB पोर्ट, दूसरी तरफ यहाँ पे पोर्ट्स मिल रहे 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिल रहे 7002G मॉडल में। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे फर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहाँ पे आपको सोनी में मिल रहा है 8000G में एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी तरफ यहाँ पे आपको 7002G में मिल रहा है आपको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक मेजर फर्क है ये दोनों टीवी में। इसी के साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ देखने नहीं मिलेगा किसमें, 7002G में, वहां पे आपको दूसरी तरफ 8000G में आपको ब्लूटूथ देखने मिलेगा। तो यही कुछ डिफरेंस है इन दोनों ही टीवी में, बाकी सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सेम है। यहाँ पे भी आपको 1 ईयर की वारंटी और सारे वॉल माउंट वगैरह सब बॉक्स काउंटर में देखने मिल जाएंगे, बस कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने 43 इंच 4K टीवी 2020 में लेने के लिए जो रिकमेंडेड टीवी थी, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया, सारे मॉडल जो मुझे अच्छे लगते थे मैंने बता दिए। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है, तो आप जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, शर्माइए मत, जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इसी के साथ ही साथ अगर आप प्लान करो इस टीवी को लेने का, तो ये जो सारे के सारे जो मॉडल मैंने इस वीडियो में दिखाए, उसके लिंक्स जो है बाइंग लिंक्स मैंने अमेजोन के और फ्लिपकार्ट दोनों के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से आप जरूर जाकर चेकआउट कीजिए और वहां से आप परचेस भी कर सकते हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ ये वीडियो को लाइक जरूर करना, काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं आप सभी को एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक किए बिना जरूर बोलते ना जाना ही मत, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।